दिस इज द ऑल न्यू बजाज पल्सर NS200 BS6। इस बाइक को मैं पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इन 6 महीनों में इस बाइक के साथ में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बाइक को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि बाइक की हालत कैसी है। सो जस्ट अ मोमेंट। और ये है वो जगह जहां मैं बाइक वॉश करने वाला हूँ। तो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पल्सर की NS200 BS6 बर्न्ड रेड कलर। तो ये मुझे खरीदे हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इन 6 महीनों में मुझे बाइक की हैंडलिंग, गाइस हैंडलिंग इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब हैंडलिंग के मुकाबले में कोई दूसरी बाइक इसको टक्कर नहीं दे सकती। सबसे अच्छी हैंडलिंग है इस सेगमेंट में इस बाइक की। मैंने दूसरी भी बाइक्स वगैरह चलाई हैं, लेकिन इसकी हैंडलिंग मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगी कॉर्नर्स में, ट्रैफिक में। आप मतलब जब कटिंग वगैरह करोगे तो बहुत अच्छी हैंडलिंग है इसकी। पर हैंडलिंग में जो पहली चीज़ है जो इसमें हमें हेल्प करती है हैंडलिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे बनाने में, वो है इसके सस्पेंशंस। इसके सस्पेंशंस वैसे तो थोड़े स्टिफ हैं, लेकिन ये स्टिफ सस्पेंशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपको कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं और कॉन्फिडेंस लाजवाब होता है आपका। लेकिन सस्पेंशंस की एक बात यह भी है, स्टिफ होने की वजह से अगर आप इसको ख़राब रोड्स में चलाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है। तो गाइस, दूसरी चीज़ जो मुझे इस बाइक में बहुत अच्छी लगी है वो है इसकी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इनिशियल में थोड़ी सी लैग करती है, लेकिन अगर जैसे ही आपका RPM 7000 से ऊपर में जाता है तो मतलब जो इसकी पावर निकल के आती है बीस्ट हो जाती है। जो टॉप एंड है गाइस वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब KTM वगैरह को भी ये पीछे कर देता है, ठीक है। तो गाइस, जो मुझे एक और चीज़ इस बाइक की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ एग्जॉस्ट नोट। ऐसा है इसका एग्जॉस्ट नोट। लेकिन जब आप हायर RPMs पे आप इसको चला रहे होंगे तब जो साउंड आपको आती है वो तो मतलब लाजवाब होती है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो है ब्रेकिंग। तो आपको इसमें सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को डुअल चैनल देना चाहिए था। एटलीस्ट एक वेरिएंट होना चाहिए था जिसमें आप डुअल चैनल भी खरीद सकते। लेकिन ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। मतलब अगर आप देखें 300 mm की आपको फ्रंट में डिस्क मिलती है, जो कि अपाची और MT में मिसिंग है। और रियर में आपको सेंसर तो मिल जाता है, लेकिन ये RLP है, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। तो 230 mm की रियर में डिस्क दी गई है, तो ब्रेकिंग फिर भी काफ़ी अच्छी है। चलो अगर पीछे भी ABS होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसकी लुक्स की। लुक्स डेफिनेटली काफ़ी अरसे से चेंज नहीं हुई है, लेकिन ये जो BS6 अपडेट में अभी जो ये नया कलर आया है विद वाइट अलॉयज, ये मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। अगर वैसे तो मैंने देखा काफ़ी यूट्यूबर्स इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये मतलब अच्छा नहीं लगता। वैसे लुक्स तो सब्जेक्टिव होती हैं, लेकिन अगर आप मतलब ख़रीदना चाहते हो NS200 को तो आप ये कलर लीजिए, आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा। मतलब ये ऐसे ही अगर आपको दिख रहा होगा कि वीडियो में भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इसकी बात कर लेते हैं गियरिंग की। तो गियर्स इसके काफ़ी लाइट वेट हैं, मतलब काफ़ी लाइट गियर्स हैं। 6 गियर्स आपको मिलते हैं, काफ़ी लाइट हैं। तो मतलब बाकी के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो मक्खन गियर हैं इसके, कोई इशू आपको नहीं होगा, बिल्कुल लाइट गियर हैं। तो गाइज़, अब एक और चीज़ हम इस पे बात कर लेते हैं जो कि इसकी बहुत अच्छी है। मतलब अगर हम इसकी पावर को कंसीडर करें तो इसकी पावर आपको मिल जाती है 24.5 PS। उस हिसाब से आपको इसमें आराम से 30-35, मतलब अगर आप रैश भी चलाओगे, ट्रैफिक में चलाओगे, जैसे भी चलाओगे, आपको आराम से मिल जाएगी।
तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी है इसमें कि आपको पावर भी काफ़ी अच्छी मिल रही है और माइलेज भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। अभी मैं बात करने वाला हूँ वो चीज़ें जो मैंने मतलब इन 6 महीनों में एक्सपीरियंस की है, जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो पहली जो चीज़ है वो है इसका रियर टायर। अब रियर टायर में क्या दिक्कत है, एक्चुअली इसमें ABS होना चाहिए था। ABS मतलब बाकी कंपनी तो ऑफ़र कर रही है, TVS में आपको मिल रहा है, अपाचे में, MT में तो नहीं मिल रहा, लेकिन आपको ABS मिलना चाहिए था। अगर रेडियल टायर आपको पीछे मिल जाता तो वो भी बहुत अच्छा था। एक तो आपको टायर काफ़ी पतला मिल रहा है, इसमें मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 130 सेक्शन का आपको टायर मिल रहा है, अगर आपको 140 मिल जाए, क्योंकि इतनी पावरफुल बाइक है तो 140 सेक्शन का टायर तो होना ही चाहिए। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, मतलब जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी, वो है इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर। अब देखिए, आपको वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैं मतलब इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का कोई बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा है जो ये टैकोमीटर है। तो मतलब इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर होना चाहिए था, क्योंकि बाकी सेगमेंट, इस सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों में आ रहा है, तो इसमें भी अगर दे देते तो बहुत अच्छी बात होती। गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी एक ऐसी चीज़ के बारे में जो मैंने तो फेस नहीं की, क्योंकि मैं तो चलाता ही रहता हूँ, लेकिन मैंने फेस नहीं की। वो कैसे, क्योंकि ये फेस की है पिलियन ने, कि इसकी जो रियर सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी हार्ड है। मतलब अगर आप लॉन्ग राइड पे जाओगे तो काफ़ी दिक्कत होती है। मुझे कंप्लेंस आई हैं जो मेरे पीछे बैठते हैं, तो ये मैंने उनसे एक्सपीरियंस किया है। तो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मे बी लीस्ट, अब हम बात करने वाले हैं इसकी हेडलैम्प के बारे में। हेडलैम्प की मतलब जो नाइट विजिबिलिटी है वो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन गाइस अगर LED मिल जाती तो मतलब मज़ा ही आ जाता, जैसे अपाचे में हमें मिल रही है, अच्छा MT में हमें मिल रही है, MT में एक सिंगल प्रोजेक्टर मिल रही है, तो इसमें भी अगर हमें एक LED हेडलैम्प मिल जाती, क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी ओल्ड हो गया है। मतलब अभी तो एग्रेसिव तो अभी भी है, मतलब नेक्ड वुल्फ तो लगता है ये, लेकिन अगर हमें LED मिल जाता तो गाइस मज़ा ही आ जाता। मैंने अपना 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया इस बाइक के साथ में, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। आप भी डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी बाइक है ये, जिस तरह की आपको परफॉर्मेंस मिलती है इस बाइक में, और कोई भी कंपनी इतनी पावर ऑफर नहीं करती है इस प्राइस पॉइंट पे, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई भी आपको सजेशन देनी है नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। व्यू आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, कितना बेहतरीन व्यू है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं ऊपर।